हेलो एवरीवन, आई एम बरखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े से मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ, जिसमें आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें घुमाने वाली हूँ अपने इस व्लॉग के थ्रू। हमने इसका पहला पार्ट ऑलरेडी दिवाली वाले दिन अपलोड कर रखा है, जिसमें हम हनुमान धारा घूमने गए थे। तो अगर अभी तक आपने उसको ना देखा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, हमारे ही चैनल पर उसे भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज हम दो तीन जगह एक साथ घूमने वाले हैं। तो जो पहली जगह हम जा रहे हैं वो है सती अनुसुईया का आश्रम। ऑलरेडी आपने काफ़ी बार सती अनुसुईया का नाम सुना होगा, तो हम उन्हीं के आश्रम जा रहे हैं। कहा जाता है कि यह स्थान ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया की तपोभूमि है, जहाँ पर माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को पुत्र के रूप में यानी कि बालक के रूप में बदल दिया था। साथ में माता सीता को उन्होंने पतिव्रता धर्म का भी उपदेश इसी स्थान पर दिया था। और कहा यह भी जाता है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम माता अनुसुईया के तप की वजह से यहाँ से हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। आई गेस आपने भी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, माता अनुसुईया के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। तो ये तो अगर आपने पढ़ा होगा तो चित्रकूट में ही था उनका, तो वो भी आपको आई गेस पता ही होगा। तो वहीं पर हम घूमने आए थे, काफ़ी ज़्यादा रिनोवेट उन्होंने करा दिया है, सामने आप देख सकते हैं। काफ़ी ट्राई हमने किया था कि सारी चीज़ें हम कवर कर पाएँ अपने कैमरे में, बट बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ था तो सारी चीज़ें तो नहीं कवर कर पाए थे, लेकिन बहुत ही सुंदरता से सब कुछ उसके अंदर बनाया गया है। अंदर अगर आप जाएंगे तो कई मतलब फ्लोर में बना हुआ है ये, और हर एक फ्लोर में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। काफ़ी सारी झांकियां हैं, भगवान के अवतार दिखाए गए हैं, राम भगवान के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, हनुमान जी के बारे में बताया गया, माता अनुसुईया के बारे में बताया गया। तो झांकियां काफ़ी सुंदर आपको देखने को अंदर मिल जाती हैं, कि आपको जैसे सामने देख रहे हैं मंदाकिनी नदी का उद्गम वगैरह कहाँ से हुआ, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने सभी चीज़ों को सजा रखा है। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो साथ में आपको वहाँ बैठने की भी जगह मिल जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर इतना बड़ा सा एकदम हॉल टाइप का बना था, तो हम लोग काफ़ी टाइम वहाँ बैठे भी थे क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम लोग जब हनुमान धारा चढ़ने गए थे, तो वो चढ़ाई की वजह से हम थोड़ा सा थक गए थे, तो हम यहाँ पर आकर बैठे थे। तो बैठकर बड़ा सुकून सा मिल रहा था वहाँ पर। तो आप भी अगर आप आते हो यहाँ पर तो आराम से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, और आई गेस यहाँ पर आने का कोई टिकट वगैरह भी नहीं है। तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहते, उसके बाद फिर हम लोग आगे निकले थे, बिकॉज हमें लग रही थी जोरों की भूख, तो हमने सोचा कि चलो अब चल के बाहर कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे थे खाने के लिए। साथ में आपको चित्रकूट में एक चीज़ और मिल जाती है कि जहाँ भी घूमने की जगह है वहाँ पर मतलब मेला टाइप का ज़रूर लगा रहता है, तो आप वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो। अच्छा, सामने जो आपको दिख रहा है ये है मंदाकिनी नदी। तो ये मंदाकिनी का ये जो ये वाला पार्ट है जो आप देख रहे हो ना फ्लो, मुझे वो फ्लो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था, कि जब हम लोग जा रहे थे अनुसुईया आश्रम की तरफ तभी हमें ये देखा था, मेरा मन तभी करता कि मैं जाके देखूं, बट हम लोग फिर लौटते टाइम ये हुआ कि देखते हैं। तो ये जो पार्ट था ये मुझे बड़ा सुंदर सा लग रहा था, और सामने जितना भी जंगल वाला पार्ट है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रामायण के किसी पार्ट में हम भी घूम रहे हैं, उनके जैसे भगवान को दिखाया जाता है कि वो जंगल में थे, उसी तरह सेम डिट्टो वैसे लगता है। मतलब अगर आप चित्रकूट जाते हो आपको फील होता है कि भगवान अगर 11 साल यहाँ पर रहे हैं तो किस तरह से रहे हैं, मतलब उनका वनवास का जितना भी था आपको अभी भी, जबकि कितना चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई हैं, बट फिर भी आपको फील होगा। अच्छा, तो हम लोग आराम से वहाँ पे घूम के फिर निकल गए थे अगली जगह के लिए। तो अगली जगह जो है वो है गुप्त गोदावरी। तो वहाँ जाने से पहले हम लोग को लग रही थी प्यास, और सामने दिख गया था हमें गन्ने का जूस। अच्छा, आप में से किसको किसको गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे पर्सनली गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब गर्मियों के टाइम पर तो ट्राई करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पर गन्ने का जूस पीऊँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा गन्ने का जूस, तो हमने सोचा फटाफट से गन्ने का जूस पीते हैं, और फिर हम लोग दोबारा से निकल गए थे आगे के लिए। तो यहाँ पर हम आ गए थे गुप्त गोदावरी में जाने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सी इस तरह से सजी हुई थी वहाँ की गलियाँ, और दुकानें वकानें सब लगी हुई थी। तो वहाँ से होते हुए हम आए हैं, और सामने आप देख रहे हैं टीन वगैरह पड़ा हुआ है सामने से, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी आप अंदर जाएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर हमने ले लिया था अपना टिकट, आई थिंक 20 रुपये का मिल जाता है पर पर्सन के हिसाब से। दो गुफाएं हैं, तो इसके थ्रू आप जाते हो, वहाँ प्रॉपर लाइन वगैरह लगती है, आप घर से अगर प्रसाद वगैरह ले जाते हो तो वहाँ पे भी ले सकते हो, और वहाँ मतलब दोनों आप अंदर घर से भी ले सकते हो, वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पर प्रसाद वगैरह लेने के बाद इस तरह से कुछ गुफा, आप देख रहे हो कितनी सकरी सी जगह है, यहाँ से अंदर जाते हैं और फिर अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारा दिखता है वो अभी आपके सामने होगा। तो
बाहर से तो बिल्कुल नहीं फील हो रहा था ना, लेकिन अंदर से आपने देखा ना कितना सुंदर और कितना बड़ा बना हुआ है। और यहाँ पर गोदावरी जी दिखती हैं, गुप्त गोदावरी इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर आके गुप्त हो जाती हैं, थोड़ी दूर में ही दिखती हैं और फिर आके यहाँ पर गुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना हुआ है, वहाँ पर आपको दिख जाएगी। अच्छा, साफ सफाई भी बहुत, मध्य प्रदेश तो वैसे भी साफ सफाई के लिए मतलब है ही प्रसिद्ध, तो साफ सफाई बहुत अच्छे से वहाँ पर हो रही थी, बहुत मतलब क्लीन लग रहा था हर चीज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पॉन्ड में ये गोदावरी जी थी। एक तो यहाँ पर छोटी सी हैं, बाकी इसके अलावा एक और छोटी सी गुफा है, एक और मतलब वो आई थिंक थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर जाके सभी लोग मन्नत वगैरह मानते हैं, बाकी जल वगैरह ले रहे थे, शुद्ध जल है। और देख सकते हो आप कितना क्लीन दिख रहा है ना जल, एकदम मतलब नीचे का पत्थर दिख रहा है और जबकि पानी है वहाँ पे। साथ में वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो हम लोग वहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद निकल गए थे दूसरी गुफा के लिए। पहले आप इस तरह से जाएंगे, तो यहाँ से आप दूसरी गुफा की तरफ जाते हैं, तो उसी टिकट के थ्रू आई थिंक दोनों ही गुफाओं का हो जाता है आपका। तो अभी हम दूसरी गुफा में आ गए, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको पानी दिख जाता है, नीचे देख रहे हैं ना। और ये पानी बरसात के टाइम तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। और मतलब मैं जब छोटी थी तब स्कूल ट्रिप में मैं गई थी एक बार, तब का मुझे जो चित्रकूट का सबसे ज़्यादा याद है वो यही जगह है, सबसे ज़्यादा याद है कि हम लोग गुप्त गोदावरी में गए थे और पानी, तब हम लोग छोटे छोटे थे तब पानी ऊपर तक एकदम भर गया था। तो काफ़ी अंदर तक अगर आप जाएंगे तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे तक पानी आपको दिखेगा वहाँ पर, और कभी कभी थोड़ी फिसलन भी महसूस होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है और इंटरेस्टिंग जगह है। आप अगर चित्रकूट जाइएगा तो भले एक बार ही सही, लेकिन गुप्त गोदावरी ज़रूर जाइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। तो उसके बाद हम लोग दर्शन वगैरह करके हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत और भी चीज़ें ली और फिर हम आगे के लिए निकल गए थे, बिकॉज धीरे धीरे शाम हो रही थी और हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी थी। अच्छा, वहाँ का जो नज़ारा था वो इतना खूबसूरत था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम MP में घूम रहे हैं, क्योंकि मेरा मतलब फर्स्ट टाइम नहीं था, ये आई थिंक थर्ड टाइम था कि हमने MP विज़िट किया है। हमें बहुत सुंदर लगा था पहले भी, और अभी भी जिस तरह से सड़कों से हम लोग निकल रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा था। साथ में इन लोगों की मस्ती वगैरह चल रही थी, आपने पहले भी कुछ व्लॉग्स में देखा होगा। तो देखते देखते हम पहुंच गए थे अपने नेक्स्ट जगह पर, स्पिरिट विला है यहाँ पर। तो कहा जाता है कि इंद्र भगवान के जो पुत्र थे उन्होंने सीता माता के पैर में चोच, मतलब वो कौवे का रूप लेकर आए थे, उनके चोच मारी थी पैर में। उसके बाद राम भगवान ने अपने तीर चलाया था, तो वो पूरा भ्रमण करते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो ये हुआ, मतलब इस तरह से पूरी प्रॉपर कहानी वहाँ पे आपको सुनाते हैं, तो आप जा सकते हो वहाँ पे, देख सकते हो काफ़ी। ये जो आप देख रहे हो ना सामने, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो कहानी ही सुनाते हैं। तो यहाँ पर और ये सामने आप देख रहे हो ना, पूरे चित्रकूट में आपको जो अगर नदी दिख रही है तो वो मंदाकिनी नदी ही होंगी, सिर्फ वो गुप्त गोदावरी को छोड़कर। तो यहाँ पर सब लोग जल वगैरह ऐसे अपने सर पर डाल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम नहा नहीं सकते हम लोग, और मतलब शाम का टाइम हो रहा था एक्चुअली। और वहाँ पर आपको मंदिर वगैरह भी दिख जाएंगे, सारे ही मंदिर ऑलमोस्ट रिनोवेट करा दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप वहाँ पे भी घूम सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर अंदर बने हुए थे, हमने अंदर तो रिकॉर्ड नहीं किया, आई गेस रिकॉर्डिंग मना थी वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए। साथ में आपको यहाँ पर खूब ढेर सारे छोटे छोटे से बंदर भी मिल जाएंगे, और वहाँ पर बंदरों को खाना खिलाने के लिए भी वहाँ पर चीज़ें उन लोगों ने रख रखी थी। हमने वहाँ पर चूरन खरीदा था, ये इमली वाला चूरन था आई गेस, बड़ा अच्छा था और लोग बोल रहे थे व्रत में भी खा सकते हैं, तो बचपन हम लोग खाया करते थे तो हमने दोबारा से खरीदा था। उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए थे अपनी अगली जगह के लिए। देखा हमने कितनी जगह आज आपको घुमा दी। तो हम लोग जो अगली जगह गए थे वो था आई थिंक सीता कुंड नाम था यहाँ पे इनका। तो ये मुझे बहुत सुंदर जगह लगी, क्योंकि यहाँ पे ना आपको जो पानी वगैरह दिखेगा, मतलब जो नदी दिखती है वो इतनी खूबसूरत है, और आप इधर से बैठ कर अगर दूसरी साइड देखते ना तो जो वहाँ के पेड़ थे वो जिस तरह से नदी में झुके हुए थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि किसी मतलब राम भगवान की कोई मूवी चल रही है और उसके अंदर का कुछ एक दृश्य दिख रहा है, वैसा कुछ फीलिंग दे रहा था। मतलब एकदम ऐसा लग रहा था सब कुछ मूवी की तरह बनाया गया, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पानी का फ्लो वगैरह देखने में आप देख सकते हो कितना सुंदर, और किनारे किनारे जो जंगल थे मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता, हो सकता है आप लोगों ने देख रखे हों इस तरह से। हमें मतलब मेरा जो भी उस टाइम का जो था सीन, मतलब बस वाओ, ये तो आप देख रहे हो ना सामने जिस तरह से झुके हुए हैं पानी में, मतलब वो देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मेरा तो मन हर जगह कर रहा था कि बस मैं यहाँ पे पूरा दिन बताऊँ, मतलब एक जगह जाओ, एक दिन में चार जगह नहीं, एक दिन में सिर्फ मैं एक जगह कवर करूँ, ताकि मैं उस चीज़ को, उस मोमेंट को अच्छे से मैं इन्जॉय कर सकूँ और उस जगह आराम से जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्विमिंग पूल इन लोगों ने बनवा रखा था। ये जो जहाँ से पानी गिर के आया ना उसके उधर अगर आप जाओगे तो आराम से वहाँ पे स्विमिंग पूल टाइप का था, आप ईजिली वहाँ पे नहा सकते हो, और बड़ा अच्छा सा फील आ रहा था, मतलब सब लोग थे वहाँ पर।
तो हम लोगों ने सब कुछ इंजॉय किया और फिर शाम को हम लोग अगेन आ गए थे अपने रामघाट में। और हमें इस बार सौभाग्य मिला ये जो आरती जलती है उसको जलाने का, वहाँ पे ढेर सारी बातियाँ लगा के फिर हम मोमबत्ती के थ्रू उसको जलाते हैं। तो ये देखिए ले गए यहाँ से पंडित जी उसको उठा के, हम ही लोगों ने इसको जलाया था, तो ये सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। तो बड़ा अच्छा लगा मतलब ये देख करके कि हाँ मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ लोगों को देखते हैं कि हाँ लोग ये करते हैं हमें कब करने को मिलेगा, तो कभी ना एकदम से चीज़ें आपको मिल जाती तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने फिर रात में इंजॉय की वहाँ की आरती, आरती देखने का एक अलग ही आनंद होता है। हम जब भी चित्रकूट जाते हैं हम वहाँ पर बैठ के आरती ज़रूर इंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर सभी ने प्रसाद लिया और आरती आशीर्वाद वगैरह लिया, उसके बाद सभी को लग रही थी जोरों की भूख और हमें आज ही निकलना था क्योंकि हमने ट्रेन बुक कर रखी थी और रात की ट्रेन थी। तो ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी से सब लोग आरती वगैरह ले लो उसके बाद चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, और वैसे भूख तो नहीं लग रही थी बट था कि फटाफट से खाते हैं और फिर निकलते, नहीं तो फिर ट्रेन के लिए लेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर फटाफट से खाया और फिर हम लोग पहुँच चुके थे हमारे ट्रेन के लिए। इस बार हम लोगों ने जो ट्रेन बुक कराई थी वो गरीब रथ कराई थी, पहली बार कराई थी क्योंकि इससे पहले हम लोग नहीं एक्सपीरियंस किए थे। तो ये था कि चलो अभी इस बार ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर लेते हैं जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो इस बार हमने गरीब रथ फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, काफ़ी सही ट्रेन है, अगर आप चाहो तो आप भी बुक कर सकते हो, बजट में भी है, 3rd AC हम लोगों ने बुक की थी। और एक और चीज़ लेकिन मैं सलाह देना चाहूँगी कि अगर आपके पास छोटा सा बेबी है तो मे बी आपको वहाँ पर सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ अगर आप सिंगल जा रहे हो तो फिर तो बहुत सही ट्रेन है, आप आराम से बुक करो। और देखते देखते हम लोग आ गए थे लखनऊ, देख सकते हो आप सामने इस तरह से हम लोग आराम से लखनऊ भी आ गए थे। तो सब लोग आराम से सोते हुए पहुंच गए थे लखनऊ, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस बार हम ट्राई करेंगे कि हम अलग अलग ट्रेन में विज़िट करें जिससे हम आपको उसका एक्सपीरियंस दे सकें और आप भी इजीली उसको बुक कर सकें। और काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन थी तो हमारी तरफ से तो बिल्कुल आप चाहो तो गरीब रथ आराम से बुक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ट्रेन थी बेसिकली। तो हम लोग आराम से आ चुके थे लखनऊ, ये हमारा लखनऊ का चारबाग, आई गेस छोटी लाइन में आई हुई थी ये, चारबाग जंक्शन में आई थी। तो बढ़िया रहा हमारा इस बार का जो चित्रकूट का ट्रिप थी हमारी, बहुत ही बढ़िया रही। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। और सामने हम आप देख सकते हैं हमारी लखनऊ की विधानसभा बहुत ही खूबसूरत सी बनी हुई है। तो वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा एंड थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए जिससे हम और ग्रो कर सकें यूट्यूब में, क्योंकि मैं आगे चल के सोच रही हूँ कि यूट्यूब को मैं एज अ फुल टाइम लेने का, बट अगर रिस्पांस अच्छा रहा मैं तभी ले पाऊँगी, अभी तो नहीं ले पाऊँगी। तो प्यार अपना बनाए रखिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।